अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल 2021 आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट हम 13 अप्रैल की भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे PNP लेटेस्ट अपडेट के बारे में। स्कूटनी का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है दोस्तों, कौन सा रोल नंबर होगा आपका, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, आपका सवाल आ रहा था कि क्या फिर से होंगे छात्र प्रमोट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक और अपडेट जरा दोस्तों, जरा इसको देखते हैं। यूपी में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम बोले जीवन भी बचाना है और जीविका भी। तो दोस्तों इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लॉकडाउन को लेकर काफी अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली अपडेट है कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बीच सीएम योगी का नया आदेश। जी हाँ दोस्तों, क्या आदेश आया इसको देखेंगे। उसके बाद देखिए एक और अपडेट आती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन बहुत ही जरूरी अपडेट है। कोरोना वैक्सीन देश की जरूरत है, आप भी इसके लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए, सबको हक है सुरक्षित जीवन का, ऐसा दोस्तों श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन आप तक भी पहुंचनी चाहिए। जितने बच्चे समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो गाइस ये भी सोचिए कि आपको कब ये वैक्सीन मिलेगी, नहीं तो फिर होगा क्या ना, कि इसको जरा इस अपडेट को भी ध्यान में रखिएगा। 24 घंटे में इंडिया में लगभग 1,70,000 कोरोना के नए मामले सामने आए, 904 लोगों की जान गई है। जी हाँ दोस्त, ये वो आंकड़े हैं जो भैया कम से कम रिपोर्ट हुआ है, मतलब वहां तक बात पहुंची है, नहीं तो और कितने लोगों को कोरोना हुआ कोई नहीं जानता। देखिए सभी लोग तो जांच कराते हैं नहीं, बाकी कितने लोगों की जान जाती है पर डे आप देखते होंगे। ऐसा तो नहीं कि सभी लोग जांच कराएं भाई कोरोना था कि नहीं था। तो गाइस इस नंबर को आप जरा ध्यान में रखिएगा, पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक है। इस बार आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान ज़्यादा रखना है, हल्के में मत लीजिएगा, और इस समय सीजन चेंज भी हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों पूरी अपडेट को देखेंगे लॉकडाउन को लेकर। अब देखिए दोस्तों कुछ और ज़रूरी बातें, फेल छात्रों का क्या होगा। अभी आपने दोस्तों देखा फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट घोषित हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे फेल हो गए। तो हमने दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, अगर आप 18 बैच के छात्र हैं रिजल्ट डाउनलोड करना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं रिजल्ट का, लेकिन आप PDF रखेंगे तो बेहतर होगा। चतुर्थ सेमेस्टर में रिजल्ट में दोस्तों फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों दिया गया है, उससे आपका ओवरऑल परसेंटेज भी पता चलेगा। अब देखिए दोस्तों फेल छात्रों का क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि तृतीय सेमेस्टर परीक्षा कब होगी, लेकिन उसके साथ साथ बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021 पर बातें होंगी। अगर दोस्तों DLED के छात्र अपनी आवाज बुलंद करेंगे, तो जब दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाएगा, उसी के साथ साथ दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर भी कराया जा सकता है। लेकिन DLED के छात्र जागरूक रहेंगे तभी होगा ऐसा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर एग्जाम करा लिया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया कि 2020 का कोई नया बैच नहीं है। अगर 2020 का कोई बैच होता तो जब आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होता तो डेफिनेटली 2020 का बैच का कोई ना कोई सेमेस्टर तो होता, या तो फर्स्ट होता या तो सेकेंड होता या तो फोर्थ होता। फोर्थ तो होगा नहीं, वो आपसे सीनियर है, नहीं जूनियर ही रहेंगे, तो फर्स्ट या उनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होता। ठीक है, नए शिक्षक भर्ती 2021 की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। पहली बात दोस्तों आपको बता दें, जितने बच्चों की भी अभी भी DLED में बैक लगी है, क्लियर नहीं हो पाई है, अगर नई भर्ती जल्दी आ जाती तो सभी बच्चे DLED के जितने बच्चे बैक वाले सब नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही बच्चों को मौका मिलता है नई भर्ती में जिन बच्चों का रिजल्ट क्लियर होता है, जिन बच्चों के रिजल्ट में पास लिखा होता है। फेल वाले बच्चे नई भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते। जब तक आप रिजल्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे। इस समय दोस्तों आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम कैंसिल को लेकर काफी अपडेट्स आ रही हैं कि पेपर कैंसिल हो रहा है, रद्द हो रहा है। देखिए दिक्कत क्या है ना यहाँ पर, कि कोरोना के नए मामले जो सामने आ रहे हैं, जी इस अपडेट को जरा देखिए। जैसे ही दोस्तों चुनाव समाप्त होगा उसके बाद आप देखेंगे भैया सख्त लॉकडाउन भी हमारे देश में लग सकता है। अभी तक लॉकडाउन नहीं है क्योंकि यूपी में भी पंचायत के चुनाव होने हैं। पिछली बार दोस्तों अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे, जी हाँ दोस्तों बात हम अप्रैल महीने की कर रहे हैं, उस समय के दोस्तों केसेस को देख लीजिएगा जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन था, और आज भी दोस्तों देख लीजिए ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अब हमारा देश दुनिया का दोस्तों दूसरे स्थान पर हम लोग हैं कोरोना के मामले में। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पर USA है,
लेकिन वहां पर भी 24 घंटे में 50,000 मामले भी नहीं आए, और हमारे यहाँ 200 लगभग अमेरिका से 3 गुना से ज्यादा मामले आए। बहुत ही गंभीर मामला है। अगर सरकार इस पर दोस्तों हल्के में लेगी तो नुकसान सभी बच्चों का होगा। एक तो दोस्तों आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, कॉलेज बंद हो जाता है, स्कूल बंद हो जाते हैं, कोचिंग तक बंद कर दिया गया है इस समय यूपी में। आप देख रहे होंगे अपडेट आई है, तो जो बच्चे कम से कम ऑफलाइन कोचिंग ले रहे होंगे उनकी कोचिंग भी बंद हो गई होगी। उसके बाद दोस्तों इस अपडेट को जरा देखिए, अगर आप तक कोरोना की वैक्सीन नहीं पहुंच रही तो फिर जिम्मेदार कौन है? जी हाँ दोस्तों, क्या सिर्फ कुछ खास लोगों को वैक्सीन पहुंच रही है? देखिए मेन बात क्या है ना, जब तक सबको वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं होना है। इस अपडेट को जरा हम देखते हैं पहले, क्या यूपी में नहीं लगेगा लॉकडाउन? क्वेश्चन मार्क है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिलों में अफसरों को चेताया है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी में ना रहे, लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम जनता को मरने नहीं देंगे, बिट की दोस्तों शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। पहले से यूपी ठीक है, मतलब पहले से पूरी तैयारी करें, आवश्यकता अनुसार निजी हॉस्पिटलों और मेडिकल कॉलेजों का टेक ओवर करें। उन्होंने जिलों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। योगी ने स्पष्ट कहा है कि हमें जीवन को भी बचाना है और जीविका को भी। तो गाइस ये काफी अच्छी बात है कि कम से कम जीवन के साथ साथ जीविका भी बची रहे। मतलब होता क्या था, संपूर्ण लॉकडाउन में आप देखते होंगे सब कुछ बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होगा तब भी बढ़िया रहेगा। लेकिन गाइस हमें लॉकडाउन नहीं लगने पर हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम दोस्तों हम कोरोना को लेकर कितना ज्यादा सचेत थे, सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग कितने अच्छे से हो रहा था, लेकिन इस बार उतने अच्छे से नहीं हो रहा है। लेकिन ये काफी खतरनाक है, आपको हम बता दें, अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो फिर देखिए दिक्कत हो सकती है। सीएम योगी एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया है। उनका पूरा जोर कोरोना संक्रमण और बढ़ने से मतलब पहले तैयारियों को लेकर था। उन्होंने इसे तस्दीक भी किया और कि मतलब कोरोना के खिलाफ संघर्ष को पूरी तैयारी के साथ मजबूती से लड़ना होगा, इस संघर्ष में लापरवाही की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने में सफलता मिली है, उसी प्रकार से इस बार भी हम मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए सफल होंगे। इसके लिए उन्होंने दोस्तों L2 और L3 के बेड्स पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो गैस ये पूरी अपडेट है। निजी लैब्स भी हो सकती है टेक ओवर। सीएम योगी ने जांच और उसकी रिपोर्ट में देरी पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस बारे में निजी लैब्स का भी सहयोग लिया जाए और जरूरी हो तो टेक ओवर कर इसके बदले में पेमेंट किया जाए, लेकिन किसी सूरत में जांच रिपोर्ट में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लैब और टेस्टिंग की क्षमता के विस्तार पर जोर दिया है। RT-PCR की टेस्ट की क्षमता को 70% तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो गाइस कोरोना संक्रमण को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम भी मतलब काफी ज्यादा आक्रामक है कि मतलब इसको जल्दी से जल्दी रोका जाए, क्योंकि दोस्तों अगर इसके केसेस बढ़ गए ना बहुत ज्यादा तो फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद एक और अपडेट आई थी, देखिए सुसाइड नोट फाड़ा तो ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो भैया यूपी में पुलिस की पिटाई विटाई होती रहती है, आपने देख लो ये अपडेट है। और अक्सर दोस्तों गलतियां क्या होती है, उन्हीं की होती है। ठीक है, आप इस पूरे मामले को कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इस अपडेट को भी जरा आप ध्यान में रखिएगा कि भैया वैक्सीन आप तक पहुंचे, कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, मामले को गंभीरता से आपको लेना है। अब चलिए दोस्तों डीएलएड पर बात करते हैं अच्छे से। देखिएगा इस नए शिक्षक भर्ती 2021 की जो अपडेट्स है, आप इस समय एक बात को बहुत ही अच्छे से देख रहे होंगे, तो एक बात समझ गए होंगे कि भैया कुछ भी हो जाए, कोरोना कितना भी बढ़ जाए, लेकिन चुनाव नहीं टलेगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो चुनाव होगा वो 2022 में होने वाला है। तो गाइस 2022 में चुनाव होगा तो सिंपल सी बात है, चुनाव से पहले कुछ भर्तियां आनी ही आनी है। ठीक है, सरकार को दिखाना पड़ेगा ना कि हम इतनी भर्ती निकाल रहे हैं कि भैया बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, तो भर्ती तो आएगी। भर्ती आने का मतलब दोस्तों आचार संहिता भी लागू होगी, तो भर्ती दोस्तों 2021 में आने की पूरी संभावना है। और आपको जैसा कि पता है दोस्तों कि 25 जुलाई को यूपी टेट की परीक्षा होनी है, यूपी टेट परीक्षा के बाद दोस्तों पूरी गुंजाइश है कि नई शिक्षक भर्ती आ सकती है। तो जो बच्चे अभी से नई भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, अगर दोस्तों भर्ती समय से आ गई तो 2019 का पूरा बैच बाहर हो जाएगा, कोई बच्चे पेपर में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। उसका रीजन क्या है, अभी तक दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है और अप्रैल में होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है, 8 मई से यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है। मतलब आप देख रहे होंगे दोस्तों कितना बिजी शेड्यूल है।
अब एक ही दोस्तों चांस है कि 2 मई को जब मतगणना हो जाए तो उसके बाद अगर सरकार चाहेगी तो आपका जो सेंटर है उसको प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट स्कूलों में बनाकर पेपर कराया जा सकता है। देखिए अगर मई को भी दोस्त ये लेट लतीफी कर गए कि जून में लेकर गए ना, तो समझ लीजिए दोस्तों आपका पूरा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा जिसकी कोई समय सीमा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि हर साल वैकेंसी नहीं आती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे, तो 69,000 भर्ती प्रक्रिया शुरू कब हुई थी? इसका दोस्तों विज्ञापन 2018 दिसंबर में आया था। सोचिए 2018 में वैकेंसी है, तो उसके बाद 2019 में कोई वैकेंसी नहीं आती, 2020 में दोस्तों कोई वैकेंसी नहीं आती, 2021 दोस्तों चल रहा है। तो सोचिए अगर इस बार वैकेंसी में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला 2021 में, तो कम से कम आपको 2022 में बैठना पड़ेगा, 2023 में बैठना पड़ेगा। हो सकता है कि 2024 तक नई वैकेंसी या 2025 तक नई वैकेंसी आए, तो इतना लंबा इंतजार हो जाएगा अगर इस बार आप चूक गए तो। गाइस 2015 बैच के भी कितने बच्चे बैठे अभी तक, उनको भी नौकरी नहीं मिल पाई है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। देखिए लापरवाही करेंगे तो फिर उसका नतीजा यही होगा कि आप नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों पीएनपी भी यहाँ लापरवाही दिखा रही है। अभी तक देखिए 18 बैच में इतने बच्चे फेल हो गए। अब यही है कि अगर सभी बच्चे संघर्ष करेंगे, जोर देंगे, तो बस एक ही चीज हो सकती है कि सभी बच्चों की परीक्षा समय पर साथ में हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यही अंतिम मौका हो सकता है सभी छात्रों के लिए कि आपको नई भर्ती में मौका मिल पाए। नहीं तो भर्तियां तो और आएंगी लेकिन समय बहुत लगेगा। 1894 जूनियर शिक्षक भर्ती आ जाती दोस्तों। पहले ये था कि इससे पहले यूपी टेट या सी टेट का पेपर होगा इसके लिए अलग से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सी टेट का तो नहीं होगा, तो केंद्रीय लेवल का है, सेंट्रल लेवल का, लेकिन यूपी टेट का हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो गाइस ऐसे ही वैकेंसी आ जाएंगी, वही होगा। काफी बच्चों को लगता नहीं, जब तक हमारा पेपर नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक वैकेंसी कैसे आ जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। किसी को देख कर वैकेंसी नहीं आती। जब दोस्तों नई भर्ती का विज्ञापन आएगा तो वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि 2019 बैच के छात्रों का भैया अभी तक फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ या रिजल्ट नहीं आया, वहां पर ये सब नहीं देखा जाता। वैकेंसी अपने समय से आएगी। तो बस यही दोस्तों बात है कि जो हमारा 2019 का पूरा बैच है ना, इनका जो सेशन कंप्लीट हो जाएगा वो 5 अगस्त 2021 में कंप्लीट हो रहा है। मतलब ये मान के चलिए 21 में होगा, कि जुलाई 2021 में दोस्तों आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई लास्ट में या 2-4 दिन अगस्त में जाएगा, फर्स्ट वीक, ठीक है। जब 2 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब उसके बाद तो आपका पेपर कराना चाहिए ना। अभी तक दोस्तों डीएलएड के बता दे बहुत से कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर की टीचिंग चल रही है। सोचिए कितना पीछे चल रहा है डीएलएड अभी। उसके बाद बहुत से ऐसे कॉलेज है डीएलएड में जहाँ फोर्थ सेमेस्टर टीचिंग पर भी बात हो रही है, शुरू हो रही है। चलिए कुछ कॉलेज आगे तो कुछ कॉलेज पीछे भी है, लेकिन रिजल्ट सबका साथ में आता है। तो वही है, जब तक भैया सबके जगह पूरा नहीं होगा तब तक कहाँ से रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक और बात कहना चाहेंगे कि फेल छात्रों का क्या होगा। देखिए दोस्तों आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दे, बहुत अच्छी बात है जिससे काफी बच्चे परेशान है। इन केस दोस्तों यह गलती से अगर आपकी चतुर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, सेमेस्टर बैक लग गई है, काफी ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनकी सेमेस्टर बैक लगी होगी, तो आपको बता दें अगर फोर्थ सेमेस्टर में आपकी सेमेस्टर बैक लगे या सिर्फ आपकी बैक लग जाए, तो दोस्तों दोनों बराबर ही होता है। क्योंकि जब फोर्थ सेमेस्टर की बैक परीक्षा होगी उसी समय दोस्तों सेमेस्टर बैक का भी पूरा पेपर करा लिया जाएगा। तो जिन बच्चों की भाई सेमेस्टर बैक लगी है ना, तो वो बच्चे डीमोटिवेट ना हो। अगर आपकी बैक लगी है तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, सेमेस्टर बैक है तब तो प्रॉब्लम है ही है। तो मतलब लेकिन ये दोस्तों सच्चाई यहाँ पर ये है ना कि दोनों की परीक्षा साथ में कराई जाएगी, चाहे सेमेस्टर बैक वाले हो चाहे बैक वाले हो। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, अभी से दोस्तों आपको पढ़ाई में लगना है। बाकी अगर आप थर्ड सेमेस्टर की डेट शीट डाउनलोड करना चाहते हैं या दोस्तों बैक पेपर परीक्षा की, या आप रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको लगातार चेक करते रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।